today we are going to study chapter number five in Honey Shankar book for class 6, A different kind of school. In this lesson, we study about a different kind of school where Miss Beam uh, is a principal and uh, she deals with those childrens uh, to teach the feeling about the deaf dumb and uh, blind peoples or uh, she also helped to the children uh, to learn the feeling about them and uh, when the author goes when the author went uh, in that school then how he feels uh, that feelings or uh, those ideas are uh, we studying or uh, evenly miss beam also told to um, the author that uh, in her school uh, they teaches the student about the thoughtfulness and kindness uh, to those disabled persons who are who become uh, blind or dumb and deaf so, uh, so the children are uh, first they play uh, they play the role of different types of uh, blind people डेफ एंड ड पीपल एंड देन दे लर्न अबाउट देअर फीलिंग्स और एंड दे ऑल्सो लर्न एट लास्ट थाटफुलनेस और काइंडनेस टूअर्ड्स द डिसेबल्ड परसन बच्चों इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर एक स्टोरी है एक मिस बीम की जो मिस बीम जो है कैसा इस्कूल चलाती हैं जहाँ पर बच्चों को कहते uh, हैं एक ब्लाइंड डे और एक डेफ डे दे एक डंप डे इस तरीके से उनको डे दिए जाते हैं और उस डे में जैसे किसी बच्चे को बोलते हैं कि आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध करके पूरे दिन जो है एक ब्लाइंड पर्सन बन के रहो और ब्लाइंड पर्सन बन के रहोगे तो उन्हें जैसे अंधे व्यक्तियों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो कैसे फीलिंग करते हैं किस तरीके से दूसरे उनकी हेल्प करते हैं और वो किस तरीके से अपना काम करते हैं उनके बारे में स्टडी कराया जाता है तो वो प्रैक्टिकल स्टडी होती है ऐसे ही एक दिन उनका उनके लिए होता है कि वो जब गे बन जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बोलते और उस दिन जो है वो गूँगे बन करके पूरे दिन अपनी इंटरेक्शन करते हैं दूसरों से तो वो तब उस समय कैसा फील करते हैं और फिर तीसरा दिन होता है जब डेफ डे दे, बहरे बन के काम करते हैं और उस दिन जो है उन्हें कुछ सुना नहीं पड़ता और कहते हैं कि वो किस तरीके से दूसरों से डील करते हैं तो आखिर इन सब के पीछे एक एम क्या होता है मिस भीम का मिस भीम का एम ये होता है ताकि वो बच्चों को कभी अंधा कभी बहरा कभी गूँगा बना करके उनको ये सिखा सके प्रैक्टिकली कि जो अंधे गुंगे और बहरे व्यक्ति होते हैं वो किस तरीके से समाज में डील करते हैं दूसरों के साथ और ऐसे करके जब बच्चे फील करते हैं प्रैक्टिकली ब्लाइंडनेस को डेफनेस को डम्पनेस को तो वो उनके अंदर एक थाटफुलनेस क्रिएट होती है एक विचार आते हैं और उनके अंदर वो फीलिंग आती है कि हाँ हमें भी जो जो लोग ब्लाइंड होते हैं जो लोग डेफ और डंप होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए तो यहाँ पर ये यह स्टोरी इस तरह शुरू होती है कि लेखक जाता है एक बार एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर वो देखता है कह रहा है आई हैड हेड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल कि एक बार मिस बीम के स्कूल में जाता है लास्ट वीक और वो वहाँ पर विजिट करता है तो देखता है कि एक छोटी सी लड़की होती है लगभग वो बारह साल की जो अपनी आँखों पर पट्टी बांधे होती है और उसके साथ एक छोटा सा उससे चार साल छोटा एक लड़का होता है वो दोनों ही वहाँ पर खेल रहे होते हैं और वो लड़की जो है उस लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है तभी लेखक वहाँ पहुँचते हैं और वो उनको स्टॉप करके पूछते हैं तो मिस भीम जो है उसके बाद वहाँ से उनसे मिलती हैं तो मिस भीम जो हैं वो थोड़ा फैटी लेडी हैं ग्रे उनके हेयर हैं और थोड़ी एजियड्स सी हैं और वो बच्चों को सिखाती हैं बायदा इन सब चीज़ों के बारे में उसके बाद में वो ये भी बताती हैं कि हम बच्चों को सिंपल स्पेलिंग एडिंग सब्सट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग और राइटिंग वगैरह भी सिखाते हैं उनसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो बच्चों को प्रैक्टिकली जो है लेसन सिखाने में विश्वास रखती हैं अब आता है कि वो ये भी कहती हैं कि हम इस तरीके से बच्चों में थाटफुलनेस यानी कि विचारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और उनको विचार करना उनके अंदर दया धर्म दयालुता ये सब डेवलप करते हैं ताकि वो आगे जा करके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सके तभी मैं वहाँ पे उनके कमरे की खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्डन भी होता है मिस भीम उस गार्डन के बारे में बताती हैं कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स खिले रहते हैं और बच्चे अक्सर वहाँ पर खेलने आते हैं और वो कहती हैं कि मुझे जो है फ्लावर्स जो हेल्दी रहें तो बहुत अच्छे लगते हैं सभी को देखने में तो मैं उन बच्चों के बारे में भी सोचती हूँ जो कि बेचारे गरीब होते हैं जो अपनी आइज से जिनको प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें किस तरीके से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि ब्लाइंडनेस क्या होती है तो हम अपना ये जो क्रैच होता है उनका जो स्कूल है वो क्रैच टाइप का है जिसको पालना घर बोलते हैं उसमें बताती हैं कि वो लड़कियाँ आती हैं तो लड़कियों को हम क्या करते हैं कि इस तरीके से प्रैक्टिकली सिखाते हैं मीन्स भी जो लेखक होता है वो पहले ही सोचता है कि ये लड़कियाँ वाकई अंधी हैं या कोई बच्चे गूंगे बह हैं तो वो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं लेकिन मिस मिसबीम को हंसी आ जाती है उनकी बात पर और वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो बच्चे ना तो अंधे हैं ना गूंगे ना बहरे ना लंगड़े कोई नहीं है ऐसा कोई डिसेबल्ड नहीं है बस क्या है कि हम उनको इस तरीके से पूरा दिन देते हैं तो वो उस चीज़ के बारे में सीखते जैसे हर एक टर्म में आता है कि हर एक बच्चे के लिए ब्लाइंड है एक लेम्ड है एक डेफ्ड है एक इंजर्ड है और एक जो है डम्प डे है ब्लाइंड डे में वो बच्चा सीखता है कि अपनी आँखों पर पट्टी बांध करके कि एक अंधा जो है कैसे फील करता है तो उस दिन उसे उसको झाँकना नहीं होता है उस पट्टी के अंदर से नहीं तो वो मानी जाती है और इस तरीके से बच्चे जो है अपनी ड्यूटी को सीखते हैं कि दूसरों की हेल्प कैसे करें और दूसरे ब्लाइंड पर्सनस का हेल्प उनकी हेल्प कैसे करें और ये भी सीखते हैं कि स बीम आगे और बताती हैं कि हर एक व्यक्ति को दयालु होना चाहिए हम उनको कई सारे गेम्स सिखाते हैं कि बच्चों में थाट कम हो और क्योंकि हर एक व्यक्ति आजकल थाट का शिकार हो रहा है और थाटफुलनेस बहुत ज़रूरी है सबके लिए ताकि सबके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएँ और वो लोग सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करें दूसरा दिन डम डे होता है डम डे में भी हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि गूँगे व्यक्तियों की फीलिंग्स कैसी होती हैं उस दिन बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उसकी उस दिन उस, उनकी विल पावर का टेस्ट होता है और बच्चे अपनी विल पावर को मज़बूत करना सीखते हैं और चलिए मैं फिर मिस बीम कहती है कि चलिए मैं आपको गार्डन में कुछ दिखाती हूँ फिर वो उनको जब ले जाती हैं तो वहाँ पर एक बच्ची होती है जो खेल रही होती है और उसकी आँखों पर पट्टी पड़ी पट्टी होती है तो लेखक उससे पूछता है कि अच्छा तुम उसको तुम उसमें से झाँक तो नहीं रही हो तो वो कहती नहीं हम झाँक नहीं सकते क्योंकि वो चीटिंग हो जाएगी और एक अंधे व्यक्ति के लिए यह समाज बहुत स्ट्रेंज जैसा होता है उसकी फीलिंग मुझे आ चुकी है क्योंकि मैंने देखा है इसीलिए मैं अब दूसरों की सहायता हमेशा करूँगी अच्छा ही है कम से कम बच्चे इस तरीके से प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और उनके अंदर एक विचार जाग रहे हैं तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि ओ ये, शी सैड उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं वहाँ पर देखो एक छोटी सी बच्ची है जो कि अब उस चीज़ के बारे में जानती है तो मैंने छोटी सी बच्ची के बारे में बच्ची के बारे में पूछा उस बच्ची से कहा कि तू बताओ तुम्हें क्या क्या यहाँ पर दिखता है तो कह रही वहाँ पर छोटी सी लड़की है जिसने पिंक कलर का ब्लाउज़ पहना हुआ है ब्लू स्कर्ट पहनी हुई है ग्रे बाल हैं और वो मेरे साथ जो है खेल रही थी उसको मैंने अब उसको डर नहीं लग रहा है क्योंकि आ, वो जैसे कि पहले तो वो डेफ डेफ की कोशिश कर रही थी बनने की फिर वो ब्लाइंड बनी और वो कहती है कि ब्लाइंड बन करके पहले बहुत डर लगता है ब्लाइंड बन के जैसे मेरे सर में दर्द होने लग गया और मैं बहुत वरी कर रही थी लेकिन धीरे धीरे मुझे उनकी बारे, उनकी बारे में जो ब्लाइंड पर्सनस है उनके बारे में अब फीलिंग होती कि वो बेचारे कितना दुख झेलते हैं संसार में अब प्ले में मिस भीम जो है वो इधर उधर घूमती हैं तो वो पूछती हैं कि देखो एक वहाँ पे वही लड़की है जो कि ये उसके अंदर ये थाटफुलनेस हो गई है कि वो सोच सकती है कि वो बच्चा जो उसके आसपास घूम रहा है वो कैसे कपड़े पहने हुए किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है तो उसके बारे में लेखक पूछता भी है तो सब बताती है देखिए यहाँ पे आप ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज ये लेखक यहाँ से पूछता है व्हाट इज द गर्ल वीअर्निंग माय लिटिल फ्रेंड आज तो बताती है अब ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज आई थिंक इट इज़ मिली शी सेट वो कहता है लग रहा मुझे वो मिली है और वो लड़की बोलती है अच्छा वो लड़की शायद मिली है उसके कलर उसके बालों का रंग ग्रे है और वेरी लाइट है यस दैट्स मिली शी इज़ अ हेड गर्ल तो कहता है वो सही बोलती है लड़की क्योंकि वो हेड गर्ल होती है अब आता है कि वो एक वो सही कहती है कि हाँ वो मिली है वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है और उसके बाद में वो वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी होता है उसके बारे में पूछती है कि देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोज कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि रोज उसको टाइंग कर रहा है तो वो कहती है हाँ वो है मिस्टर पीटर जो कि हमारे गार्डनर हैं और वो बहुत बूढ़े हैं सौ साल से ज्यादा के दिखते हैं और एंड हेयर कम सा गर्ल विथ करली हेड हेयर और यहाँ पर एक लड़की है जो कि उस जिसके करली बाल हैं और ये भी क्रचिस में है उसका नाम अनीता है तो इस तरीके से देखा जाए कि एक एक जो लड़की है जिसने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है वो सबके बारे में सही सही बताती है सोच सोच के ठीक है तो इस तरीके से लेखक को पता लगता है कि जो मिस बीम का स्कूल है वो वाकई प्रैक्टिकली बच्चों को से बहुत कुछ सिखाता है काइंडनेस भी और थाटफुलनेस भी फिर उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ से लेखक आगे की तरफ बढ़ते हैं और उन्होंने ये सीखा वहाँ पर किसी और स्कूल से ज़्यादा ऐसे स्कूल में जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है वहाँ पर बच्चे दस गुना ज़्यादा थाटफुलनेस के बारे में सोच लेते हैं और उनको ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बस उसके बाद क्या होता है फिर उसके बाद में लेखक जो है वहाँ से चले आते हैं और फिर ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है तो बच्चों, आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ अगेन एंड अगेन थैंक यू एंड शेयर एंड लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू थैंक यू